Assalamualaikum, welcome to another interesting video by Waseem Hamdani. तो यार Oppo A53 जो कि पाकिस्तान में पहले भी लॉन्च हो चुका है और Redmi Note 9 की तरह इस स्मार्टफोन को भी 5G की सपोर्ट बहुत जल्द मिलने वाली है. तो कब तक ये रिफ्रेश होकर पाकिस्तान में लॉन्च होगा और इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या चेंजिंग आई है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा. तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखते रहना है और वीडियो को आपने कहीं से भी स्किप नहीं करना. तो सबसे पहले अगर बात कीजिए स्मार्टफोन में डिस्प्ले की, तो स्मार्टफोन में को 6.53 इंच का एक IPS डिस्प्ले मिलेगा और फुल HD प्लस क्वालिटी की रेजोल्यूशन स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी. 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट भी होगा. और अगर बात की जाए स्मार्टफोन में कैमराज की, तो मेरे प्यारे भाई पहले आपको Oppo A53 में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको यानी कि Oppo A53 5G में आपको 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी ही मिलेगी और LED फ्लैश लाइट का सेटअप भी होगा. लेकिन अगर बात की जाए ना ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो पहले आपको 10OS का एंड्रॉयड वर्जन मिला था, लेकिन इस बार आपका जो स्मार्टफोन होगा ये एंड्रॉयड 11 पर बेस होगा. तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है. इसके अलावा कॉलर OS 11 की UI स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगी. और अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन में प्रोसेसर की, तो मेरे भाई ओक्टा कोर का CPU होगा और पहले ओप्पो 53 में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 की चिपसेट मिल रही थी, लेकिन इस बार आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 की चिपसेट देखने को मिलेगी जो कि 5G को सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होगा. तो इसके अलावा ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये चिपसेट ये प्रोसेसर आपको देगा. तो उसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज और रैम की, लेकिन इससे पहले मुझे क्यों लग रहा पता नहीं आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो लाइक लाजमी से कर लें. और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है, बेल आइकन को आपने ऑल पर रख लेना है. तो अगर बात की जाए स्मार्टफोन में इंटरनल स्टोरेज और रैम की, तो दो वेरिएंट्स होंगे 4GB 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज, यानी कि 4GB 128GB और 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, तो दो वेरियंट्स होंगे. इसके बाद अगर बात की जाए स्मार्टफोन में बैटरी की, तो मेरे भाई 4000mAh की बैटरी होगी, लेकिन फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं होगी. आई थिंक अगर हुई भी तो 10W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगी, तो ये ना होने के बराबर हुई. इसके बाद अगर बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इस स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा. तो लास्ट में अगर बात की जाए ना स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की, तो स्मार्टफोन की जो प्राइस होगी वो 40K के राउंड अबाउट, यानी कि 40,000 के राउंड अबाउट स्मार्टफोन की प्राइस रहेगी. और जहां तक बात है लॉन्च डेट की, तो भाई दिसंबर आ गया है, तो दिसंबर के मिड तक ये स्मार्टफोन आपको ऑफलाइन मार्केट में मिलना शुरू हो जाएगा. तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे लाजमी से बताने. और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी से कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आपने लाजमी से प्रेस कर लेना है. अल्लाह हाफिज़.